रहेंगे, लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, लेके रहेंगे। एयरपोर्ट का मामला साबिया में ही नहीं है, पूरे बिहार में जो है गरमा रहा है। अब जैसे ही साबिया एयरपोर्ट का मांग जो है तेज हुआ था, वैसे ही अब पूर्णिया एयरपोर्ट की मांग भी है पूरे बिहार में जो है और पूरे इंडिया में अब जो है ट्रेंड कराया जा रहा है। आज ट्विटर पर पूर्णिया एयरपोर्ट ट्रेंड कर रहा है और आपको हम बता दें पूर्णिया एयरपोर्ट का मामला क्या है। चलिए इस मामले को सबसे पहले समझ लेते हैं। पूर्णिया एयरपोर्ट भारत की उड़ान योजना में जो है शामिल कर लिया गया था। एयरपोर्ट की अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने उड़ान संचालक के लिए आधिकारिक जो मंजूरी होती है उस मंजूरी को भी दे देती है। हालांकि बोली प्रक्रिया जो होती है, जो एयरलाइंस बोली लगाती है, जैसे जिसका जितना जितना बोली होता है वो एयरलाइंस आती है और उसमें बोली लगाती है, इसमें जो है कोई भी एयरलाइंस जो है बोली नहीं लगा पाती है और उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाती है। बिहार सरकार का अगर हम बात करते हैं तो बिहार सरकार पैसेंजर टर्मिनल के लिए जो है जो भूमि का जो है वहां पे जो अधिग्रहण कर जो करना था उसको अब तक नहीं कर पाई है। कार्गो टर्मिनल के निर्माण के लिए पूरे 50 एकड़ भूमि का वहां पे जो है करना था वो भी नहीं कर पाई है। उसके अलावा जो है सड़क संपर्क के लिए 3 एकड़ का वहां पे चुनाव करना था और उसको भी अभी तक जो है बिहार सरकार जो है अभी तक एकत्रित जो करना था, अधिग्रहण करना था, उसको जो है नहीं कर पाई है। और कारण है पटना उच्च न्यायालय जो है उसके कुछ किसान के द्वारा जो है अदालती मामलों के कारण जो है ये सब कुछ अधूरा है। यहाँ कुछ मामले चल रहे हैं। कुछ दिन पहले समाधान यात्रा में हमारे नीतीश कुमार जो है बिहार के मुख्यमंत्री वहाँ पहुँचते हैं पूर्णिया में, और पूर्णिया में पहुँचने के बाद कहते हैं कि इस देरी को देख करके जो है, इस एयरपोर्ट की देरी जो हो रही है उसको देख करके जो है हम बहुत ही दुखी हैं, बहुत ही मन में दुख है। और आगे कहते हैं कि अगर पूर्णिया में एयरपोर्ट में जो बाधा आ रही है उसको दूर करने के लिए अगर हमको कोई भी सहयोग करना पड़े तो उस सहयोग करने के लिए हम तैयार हैं, बशर्ते कि केंद्र सरकार तैयार हो। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी जो है कुछ दिन पहले जो है वहाँ पर विशेष जो पैकेज अनाउंस करते थे उसमें एयरपोर्ट का भी बनाने की बात नरेंद्र मोदी ने किया था, लेकिन यहाँ पर कुछ मामला अलग ही दिख रहा है। अगर आपको एयरपोर्ट बनता हुआ दिखता है या वहाँ पे एयरपोर्ट बनता है तो इससे वहाँ के बहुत सारे लोग जो है वहाँ पे इससे इसका लाभ ले पाएंगे। अगर हम बात करते हैं तो बिहार के पूर्वी क्षेत्र झारखंड और नेपाल के पूर्वी तराई क्षेत्र, खासकर मधेपुरा, पूर्णिया, कटिहार, अररिया, किशनगंज, भागलपुर, साहेबगंज और विराटनगर के लोगों को जो है इससे काफ़ी वहाँ पे फ़ायदा मिलेगा। अब आपको बता दें कि पूर्णिया एयरपोर्ट जो है अभी आज जो है पूर्णिया एयरपोर्ट जो है ट्विटर पे 1 नंबर पे ट्रेंड कर रहा है और पूर्णिया के लोग एक ही मांग कर रहे हैं कि पूर्णिया मांगे एयरपोर्ट। और इस तरह के वीडियो भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है वायरल हो रहे हैं और बहुत सारे लोग इसको हैशटैग जो है लगा करके चला रहे हैं पूर्णिया एयरपोर्ट को लेकर के। इसको लेकर के आप क्या सोचते हैं, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, क्या पूर्णिया एयरपोर्ट की मांग जो है उनका जायज़ है और क्या नरेंद्र मोदी ने जो घोषणा की थी विशेष पैकेज को लेकर के जब उसमें बात कही गई थी, तो नरेंद्र मोदी को भी इस पर ध्यान देना चाहिए और नीतीश कुमार को भी इसमें सहयोग जो बोल रहे हैं कि हम सहयोग करेंगे, क्या नीतीश कुमार कितना सहयोग कर पाएंगे ये आगे देखने वाली बात होगी। ऐसा आप क्या सोचते हैं, क्या बिहार में इतने सारे लोग जो बाहर जा के कमाते हैं, जो लोग आने के लिए भी बसों में ठूस ठूस कर आते हैं, ट्रेनों में ठूस ठूस करके आते हैं, क्या उन लोगों को भी इसके लिए जो है सवाल उठाना चाहिए, आपको भी सवाल उठाना चाहिए ताकि बिहार की तरक्की हो। आपको हम बता दें कि केरल ऐसा एक छोटा सा राज्य में 4-4, 5-5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट होते हैं, लेकिन बिहार ऐसा एक राज्य बन गया जिस राज्य में जो है एयरपोर्ट के लिए भी लोगों को आंदोलन के जैसे कार्य को करना पड़ेगा हमको लग रहा है, क्योंकि ये मांग जब तक मांगते रहेंगे अगर ये कोई सुनेगा नहीं तो आखिर होगा क्या। खैर, इस तरह की मांग आपको भी उठानी चाहिए और इस तरह के एयरपोर्ट का डिमांड जो है सबको करना चाहिए और इससे जो है राज्य का विकास होगा और इससे जो है उस जिले का विकास होगा, उस आजू बाजू के जो एरिया हैं उससे विकास होगा। ऐसा आप क्या सोचते हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ये वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद।